इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल के भीतर पिछले कई महीनों से पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नेतन्याहू पर आरोप लग रहा है कि वो इसराइल बंधकों को रिहा करने के बजाय युद्ध पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इसी वजह से मिस्र और कतर की अगुवाई में हमास के साथ बातचीत कई बार बेनतीजा है। और इस बार भी मिस्र में जब बंधकों की रिहाई की कवायद चल रही है तो उसमें भी नेतन्याहू ने फिलाडेल्फी में इजरायली सैनिकों की मौजूदगी की शर्त जोड़कर एक बार फिर बातचीत को बेपटरी कर दिया, जिसको लेकर नेतन्याहू और गैलेंट के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जब गैलेंट ने नेतन्याहू से पूछा कि आपके लिए फिलाडेल्फी में सेना की मौजूदगी ज्यादा जरूरी है कि बंधक, तो नेतन्याहू ने कहा कि वो फिलाडेल्फी से सैनिकों को किसी कीमत पर नहीं हटाएंगे। और इसी को लेकर बंधकों के परिजनों और इसराइल की जनता में नेतन्याहू के खिलाफ काफी गुस्सा है। लेकिन अभी गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि गाजा के एक सुरंग में 31 अगस्त 2024 को 6 इसराइली बंधकों के शव बरामद हुए हैं, जिससे नेतन्याहू के खिलाफ पूरे इसराइल में उबाल आ गया है। दरअसल आरोप है कि इसराइली सेना इन बंधकों को रेस्क्यू करने गई थी और उसी की गोलीबारी में ये बंधक मारे गए हैं, जिसके वजह से पूरे इसराइल में हड़ताल बुलाई गई है और अब इस मुद्दे पर इसराइल की सियासत में भूचाल आ गया है। बंधकों की रिहाई को लेकर तेल अवीव से लेकर इसराइल के अन्य शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यहां तक इजरायली पुलिस ने इन्हें हटाने की खूब मशक्कत की, लेकिन भीड़ हटने को तैयार नहीं है। दरअसल इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई का जो वादा किया था, अब वो अपने वादे से पीछे हट रही है और गाजा में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से कई इजरायली बंधकों की मौत हो चुकी है। और 31 अगस्त 2024 को 6 इजरायली बंधकों के शव मिले हैं और इनमें से 2 मृतकों के परिवारों ने तो नेतन्याहू से बात करने से भी इनकार कर दिया है। इजरायली मीडिया का कहना है कि मोसाद के प्रमुख ने नेतन्याहू के बयान के इतर बंधकों की रिहाई के लिए एक ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद पैदा हो गया है। दरअसल मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने कहा है कि मेरा मानना है कि फिलाडेल्फी और नेटराजम से इजरायली सेना वापस आती है तो बेहतर होगा, इससे बंधकों की रिहाई हो सकती है। इन दोनों रूट्स पर सैन्य अभियान की जरूरत नहीं है। वहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए इसराइल की लेबर यूनियन ने बंधकों के परिवारों के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 2 अगस्त 2024 को सुबह 8 बजे से बेन ग्यूरियन एयरपोर्ट का चक्का जाम किया जाएगा, क्योंकि इजरायली नेतृत्व बंधकों की रिहाई में कुछ खास नहीं कर रहा है और इसी वजह से इसराइल में 2 अगस्त से हड़ताल बुलाई गई है। वहीं इजरायली वॉर कैबिनेट के सदस्य रहे और इजरायल के विपक्षी पार्टी के मुखिया यार लैपिड ने भी संगठनों, कर्मचारियों और स्थानीय निकायों से इजरायल के भीतर इजरायली अर्थव्यवस्था को बाधित करने का आह्वान किया है। लैपिड ने इजरायली संसद के स्पीकर से आपातकालीन बैठक बुलाने की भी मांग की है, जिससे गाजा को लेकर एक समझौते पर पहुंचा जा सके। यार लैपिड ने अपने बयान में नेतन्याहू की आलोचना करते हुए कहा कि नेतन्याहू और उनकी मौत काउंसिल ने 6 बंधकों को बचाने का फैसला नहीं किया था जो गाजा में जिंदा थे, जबकि गाजा में अभी भी बंधक जीवित हैं। एक समझौते पर पहुंचना संभव है, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक कारणों की वजह से इसमें इच्छुक नहीं है। इसराइल धाराशाही हो रहा है और इस तरह से आगे बढ़ना असंभव होगा। आपको बता दें कि यार लैपिड इकलौते ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने भी अब नेतन्याहू के खिलाफ बगावत कर दी है। इसराइल में बढ़ते प्रदर्शनों को देखते हुए रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि यदि हम बंधकों को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमारे पास वक्त नहीं है, फिलाडेल्फी को लेकर कैबिनेट के फैसले को रद्द करना होगा। गैलेंट के इस बयान पर नेतन्याहू ने पलटवार किया है। इजरायली पीएमओ ने एक बयान में कहा है कि गैलेंट अपना दिमाग खो चुके हैं, वो सरकार के खिलाफ इजरायल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की आग को और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में इजरायली कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था कि गाजा को लेकर भविष्य में जो भी युद्ध विराम समझौता हो उसके बावजूद इजरायली फौज फिलाडेल्फी कॉरिडोर में मौजूद रहेगी। हालांकि इस प्रस्ताव पर गैलेंट ने विरोध में वोट किया था। गैलेंट ने कैबिनेट से इस प्रस्ताव पर पुनः विचार और उसे वापस लेने की मांग की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। बड़ी बात यह है कि गैलेंट नेतन्याहू की कैबिनेट में ज्यादातर इजरायली सेना और सुरक्षा अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं
और जिस कॉरिडोर पर IDF को बनाए रखने का प्रस्ताव पास हुआ है वो इसराइल के नियंत्रण वाले करेम अबू सलेम क्रॉसिंग से गाजा और मिस्र के बीच राफाह क्रॉसिंग से गुजरते हुए राफाह के तट तक फैला हुआ है। और मई 2024 में जब IDF ने राफाह पर हमला किया था तो उस वक्त इस कॉरिडोर पर IDF ने नियंत्रण हासिल कर लिया था। और इस कॉरिडोर को लेकर नेतन्याहू और इसराइली अधिकारियों का दावा है कि इस कॉरिडोर पर कब्जे से इसराइल की सुरक्षा मजबूत रहेगी, जबकि हमास चाहता है कि IDF इस कॉरिडोर को खाली कर दे। Four hours on the morning.